दिल्ली के आजादपुर में बनने वाले 42 मंजिल टावर का विरोध शुरू हो गया है। इस दौरान बस टर्मिनल के पास M2K विक्टोरिया सोसाइटी में RWA ने प्रदर्शन कर बिल्डर पर लापरवाही के आरोप लगाए। सोसाइटी के लोगों का कहना है यहां 42 मंजिल टावर बनना है, जिसका विरोध सोसाइटी ने शुरू कर दिया है। कई वर्ष पूर्व जब सोसाइटी बनकर तैयार हुई थी तो उसमें बहुमंजिला इमारतें बनी थी और सोसाइटी की घुई एरिया और पब्लिक यूज की जगह छोड़ी गई थी। आपको बता दें कि अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डर ने 42 मंजिला एक टावर की शुरुआत की है। टावर के बिल्कुल बगल में ही दिल्ली सरकार का स्कूल है और दूसरी तरफ पहले से मौजूद टावर है। मामले को लेकर RWA का कहना है कि मानकों के हिसाब से वह दूरी कम है, इसलिए इस टावर का निर्माण नहीं हो सकता है। साथ ही सोसाइटी के निवासियों से भी अनुमति नहीं ली गई है, जिस पर RWA का कहना है बहुमंजिला टावर बनने के बाद हादसों की वजह बनते हैं और उसे बाद में तोड़ा जाता है। उससे अच्छा है कि इस तरह के अवैध निर्माणों को शुरुआत में ही रोक दिया जाए। फिलहाल RWA के सभी सदस्यों ने न्यायालय में जाकर टावर पर रोक लगवा दी है और अब अंतिम फैसले का इंतजार। प्रेसिडेंट RWA M2K विक्टोरिया गार्डन 2007 से मैं यहाँ का पहला 10 में से बायर हूँगा यहाँ के सोसाइटी का जी। पहले इन्होंने बोला 4 साल में कंप्लीट करके दे देंगे, पहले 9 फ्लोर का था ये इनका प्लान, फिर उसको 14 फ्लोर हो गया, फिर जब लास्ट आया तो 19 फ्लोर का ये प्लान हो गया। हम आपको प्रोवाइड कर देंगे फोटोग्राफ्स और इसके वर्जन भी है, सभी हमारे जितने भी फेस्टिव सीजन के जो भी सेलिब्रेशंस थे वहाँ पे होते थे, हमारी जो गाड़ियाँ थी, जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ आती थी, गेस्ट सी आती थी रात को खड़ी होती, वो सभी वहाँ पे पार किया। टावर गिरा था, उसके सबसे बड़े दो कारण थे, एक तो उसने जो वहाँ के फ्लैट बायर्स थे उनसे परमिशन नहीं ली थी, कंसेंट नहीं ली थी, वो सेम हमारे केस में है। दूसरा सुपरटेक में जो था कि जो टावर की जो हाइट है उसका शायद नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से मिनिमम 50% डिस्टेंस होनी चाहिए दूसरे टावर से।